नमस्कार दोस्तों, स्नेह लोक कथाओं और कहानियों का महासागर आप सभी का स्वागत करता है। स्नेह लोक के पिटारे से आज फिर एक नई कहानी प्रस्तुत है। कहानी का शीर्षक कमला विमला निवास, एपिसोड 1, संजू का रिजल्ट। वर्मा जी के घर की सुबह हनुमान चालीसा के साथ ही प्रारंभ होती है। मिसेस वर्मा की कोकिला सी आवाज में मंत्रोच्चारण, वह पूजा की घंटी और अर्चन से मन आह्लादित हो जाता है। आप सोच रहे होंगे, मैं कौन हूं? मैं हूं कमला विमला निवास। जानता हूं नाम जरा पुराना है, पहले मुझे भी पसंद नहीं था, पर कारण जानकर नतमस्तक हूं। वर्मा जी केवल मुंह से ही नहीं, विचारों से भी क्रांतिकारी हैं। नारी सम्मान तथा समानता के पक्षधर। पक्षधर इसलिए नहीं क्योंकि इनकी तीन बेटियां हैं, परंतु इसलिए क्योंकि इन्होंने सिर्फ किताबों को ही नहीं पढ़ा वरन समझा भी है। बचपन से ही अपनी मां को घुट घुट कर जीते हुए देखा है, अपनी छोटी छोटी इच्छाओं को दबाते हुए देखा है। एक बार हद तो तब हो गई जब इनकी मां ने अपनी पसंद की सब्जी पिताजी से पूछे बिना ही बना दी। दिन भर के हंगामे के बाद मां ने तय किया कि जीवन के अंतिम सांस तक अपने मन मर्जी का कोई कार्य नहीं करेंगी। छोटे से वर्मा जी ने तभी ठान ली कि वह बहुत बड़ी क्रांति न भी ला पाए तो भी उनके संपर्क में आने वाली हर स्त्री को स्वतंत्र जीवन जीने का अधिकार होगा। और इसी परंपरा का निर्वहन करते हुए अपने घर का नाम पहले अपनी माँ फिर अपनी पत्नी के नाम पर रखा। अब तो आप समझ ही गए होंगे मेरी श्रद्धा का कारण। वैसे तो इस घर में सब कुछ मंगल है, बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। पता नहीं आज क्या होगा। वैसे यह प्रश्न आज वर्मा निवास के सभी सदस्यों के जहन में दौड़ रहा है। वर्मा जी की मझली बेटी संजू का रिजल्ट निकलने वाला है। रिजल्ट भी ऐसा वैसा नहीं, 10वीं बोर्ड का। बात जब 10वीं के रिजल्ट की आती है तो बड़े बड़े सुरमाओं की हवा निकल जाती है। तो संजू तो अपने घर की छोटी सी सुरमा थी। पिताजी के आते ही उसके सारे पंख कट जाते और उनके घर से निकलते ही चंद मिनटों में पंखे फैलाकर वो नाचने लगती थी। कई बार पिताजी के गुस्से की अग्नि में भस्म हो गई पर कुंदन ना बनी क्योंकि संजू को संजू बने रहना ही पसंद है। दिन भर घर के कोने कोने में दौड़ती उछलती रहती है। वैसे तो उसे दीन दुनिया से कोई मतलब ही न था, वह तो अपनी ही दुनिया में मस्त रहने वाली लड़की थी। संजू के ठीक विपरीत अंजू, उसकी बड़ी बहन, गंभीर शांत आज्ञाकारी और सबसे खास पढ़ाई में नंबर 1। अंजू ने तो ऐसा लगता है कि कक्षा में प्रथम आने की कसम खा रखी है। हर वर्ष की तरह इस बार भी अंजू ने सबका विश्वास कायम रखा था, पर आज बारी संजू की है। संजू को छोड़कर
किसी को भी उस पर विश्वास न था कि वह कुछ अच्छा करेगी। और हो भी कैसे, दिन भर नाचना, खाना, खेलना, सोना, यह चार विषय ही संजू को पसंद है। वर्मा निवास में अगर दिन भर कोई डांट सुनता तो वह थी संजू, पर वह किसी के बात को हृदय पर ना लेती, दूसरे ही पल अपनी दुनिया में खो जाती। दिन भर बोलने वाली संजू आज साधुओं की तरह मौन धारण किए हुए है। बार बार उसके सामने आंसर सीट घूम रहा है। आज संजू को प्रतीत हो रहा है कि धरती गोल गोल है और जो आंसर शीट की तरह गोल गोल घूमती भी है। खाने में जरा स्वाद की कमी लग रही है संजू को। लगता है रिजल्ट के बाद ही खाने का स्वाद आएगा। बात बात पर डांटने वाले अंजू दीदी आज संजू को सांत्वना दे रही है कि सब अच्छा होगा, मगर संजू के आगे तो पापा का तमतमाता हुआ चेहरा दिख रहा था। उसके कानों में वो सारे डायलॉग्स चल रहे थे जो वह हर दिन पापा से सुना करती है, मगर लगता है आज डांट के साथ मार भी पड़ेगी। मगर पापा को कौन समझाए, इस बार पेपर काफी हार्ड आया था। सारी लड़कियां कह रही थी कि उनका पास होना मुश्किल है, मगर पापा को पता नहीं क्यों ऐसा लगता है कि मैं पढ़ाई नहीं करती। हाँ, दीदी जितनी नहीं करती, पर ऐसे कितने सवाल और उसका जवाब संजू अपने भीतर ही भीतर कर रही थी। पूरे कमला विमला निवास में अगर कोई है तो वह है माँ, जो संजू के मन की बात को जानती है और समझती भी है। आज माँ ने थोड़ी स्पेशल वाली प्रार्थना भी की है। संजू इस बात से अनजान नहीं है, मगर वर्मा जी के गुस्से को जो संभाल सके, ऐसी पूजा अर्चना का आविष्कार अभी बाकी है। अमित जोर से हाफता हुआ आ रहा है, लगता है कोई खबर है। दीदी दीदी, तुम पास हो गई और वो भी सेकंड डिवीजन से। इस खबर ने पूरे घर को हिला दिया। जहां संजू भभक भभक कर रो रही थी, वहीं घर के सभी सदस्य चैन की सांस ले रहे थे। कहा था ना, संजू को छोड़कर उसकी पढ़ाई पर और किसी को भरोसा नहीं है। सब लोग खुश हैं कि वो पास तो हो गई। बस संजू को लगता था कि वो फर्स्ट डिवीजन आ सकती थी। संजू के अरमाज ध्वस्त हो गए। बहते हुए उसके आंसू को पहली बार ब्रेक तब लगा जब पापा ने कहा, मन छोटा करने की जरूरत नहीं है, जो होना था हो गया, अब आगे के भविष्य की तैयारी करो। पापा के यह शब्द संजू के लिए कल्पना से परे थे। संजू के साथ आज वो हो रहा था जो कभी ना हुआ था। पापा इतने प्यार से संजू को समझा रहे थे। संजू तो सोचती थी कि अगर पूरे संसार में कोई उसे नापसंद करता है तो वह है पापा, पर पापा ने तो आज उसे प्यार दुलार दिखाकर उसके मन में बैठे सारे मैल को धो दिया। माँ ने भी आज संजू के पसंद की खीर पूड़ी और सब्जी बनाई है। यही तो परिवार का प्यार है, जो बच्चों को सही राह दिखाने के लिए कभी मारता भी है और कभी डांटता भी है, पर जब वह बच्चा गिरता है तो एकजुट होकर संभालता भी है। खैर, आज कमला विमला निवास के लोग चैन से सोएंगे, मगर कल की गारंटी नहीं है, क्योंकि यह कमला विमला निवास है जहां सब कुछ मंगल है। बस वक्त हर वक्त मंगल नहीं रहता। कहानी तो अभी बाकी है मेरे दोस्त।
धन्यवाद दोस्तों, बहुत ही जल्द हम आपके सामने अपनी नई कहानी कमला विमला निवास के नए एपिसोड के साथ प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।